नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुर्लभ कश्यप गैंग का कुख्यात बदमाश कुणाल वेलोडिया और फिर डोरेमोन आखिर उस रात उज्जैन में क्या करने आया था जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि इन अपराधियों और अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करना है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप गैंग का सदस्य कुणाल वेलोडिया और फिडोरेमोन इस वक्त अपने एक साथी, जिसका नाम विनय बाबा बताया जा रहा है, उसके साथ पुलिस की हिरासत में है। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर उस रात को कुणाल वेलोडिया उज्जैन में क्या करने आया था। वैसे तो पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करके इनको रिमांड पर लेगी, उसके बाद काफी तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि कुणाल वेलोडिया और फिर डोरेमोन उस रात उज्जैन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था, क्योंकि हमने आपको पिछले दिनों एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने कुणाल वेलोडिया का एक लाइव वीडियो दिखाया था, जिसमें वो ये कह रहा था कि KKC गैंग के एक एक मेंबरों को सबक सिखाएगा। और इसी कड़ी में उसने बाकायदा नाम लेते हुए कहा था कि अब अगला नंबर शहनवाज का है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि उसने ये बातें लाइव वीडियो के दौरान कही थी, और अपने इसी लाइव वीडियो में उसने ये भी कहा था कि सरफराज अब तो एक महीने का मेहमान है और वो 17 जनवरी को उज्जैन आ रहा है, तब लोगों को देख लेगा। अब सवाल उठता है कि 17 जनवरी को उज्जैन आने की बात कर रहा था तो उस रात उज्जैन में क्या करने के लिए आया। जाहिर है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आया होगा, और उसके निशाने पर KKC गैंग का मुख्य मेंबर शहनवाज ही हो। और ये बातें उसके लाइव वीडियो को देखने के बाद काफी हद तक साफ भी हो जाती है। हालांकि पुलिस अभी उससे पूछताछ करेगी तो काफी तस्वीरें साफ हो पाएंगी। हम आपसे जो बता रहे थे वो कुणाल वेलोडिया और डोरेमोन के लाइव वीडियो के आधार पर बता रहे थे, क्योंकि उसने खुलेआम धमकी दी थी और उस धमकी के हिसाब से उसका उज्जैन आना कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने की तरफ इशारा करता है। तो फिलहाल आप बने रहिए BDF न्यूज के साथ, इस पूरे मामले से रिलेटेड हम आपको पल पल की अपडेट ऐसे ही देते रहेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाइए। और अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस वापस लौट आया है तो घर से बाहर निकलते समय अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगले वीडियो में। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।